अलियाबी तो कहता है मुझे जितनी तालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत को हाथ डालोगे ना? अगर मेरे आका की इज्जत को हाथ डालोगी तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। गुरुवार 18 जनवरी को राज्यसभा और विधानसभा परिषद के सदस्य रह चुके गुलाम रसूल बलियावी ने झारखंड के हजारीबाग में मजहब के नाम पर भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को सेक्युलर पार्टी बताने वाली राजनीतिक पार्टियों ने भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग नहीं की, कोई रियासत नहीं होगी क्योंकि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है और मेरी सांसें भी मेरी नहीं है। जीने की तमन्ना वो करे जिसके पास रसूल का नूर ना हो। हम तो इसी आरजू तमन्ना से जीते आए हैं कि मरने के बाद एक ऐसा दिन आएगा जब कोई नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने नुपुर शर्मा को पागल औरत करार देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। उन्होंने मुस्लिम को भड़काते हुए रांची को जाम करने को कहा। उन्होंने कहा कि तुम लोग हमेशा गैरों का झंडा लेकर निकलते हो, हुक्मरानों को बताना पड़ेगा कि हम राख के नीचे दबे जरूर है परंतु बुझे नहीं है। आगे उसने किसी 17 एजेंडे की बात करते हुए कहा कि मुस्लिम दिल से इन मुद्दों पर उनका साथ दे। उन्होंने नासूम ए रिलासत की बात करते हुए कहा कि दलितों की तरह मुस्लिमों के लिए भी सेफ्टी एक्ट बनाना चाहिए। उन्होंने दहेज को खत्म करते हुए मुस्लिमों के बच्चे को रोजगार दिए जाने और मुस्लिमों को सत्ता में हिस्सेदारी दिए जाने की भी मांग की। खुलेआम इस तरह के भाषण करने वाले ये लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, यह हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि देश में हो रही इस तरह की घटनाएं हम आपके सामने लाते रहते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।